आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक सदर की हालत मजीद खराब, दिल की तकलीफ बढ़ गई। सरकारी डॉक्टर्स की कार्डिक प्रोसीजर की सिफारिश। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर इंतहाई नासाज। कुव्वत मुदाफ़त खतरनाक हद तक कम हो गई। प्लेटलेट्स किसी सूरत मुस्तहकम नहीं हो रहे। पेट स्कैन की रिपोर्ट ने शरीफ खानदान के साथ साथ कौम को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के मजीद ब्लड टेस्ट कराने का फैसला। वफाकी काबीना अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद सईद और उमर अयूब में महंगी बिजली और इजाफी बिलों पर तकरार। मुराद सईद ने हल्के के बिजली के जायद बिल्स भी काबीना में पेश कर दिए। काबीना के दीगर अरकान भी महंगी बिजली पर फट पड़े। गुलाम सरवर खान का भी शिकवा, कहा पीआईए की निजकारी की मंजूरी का मुतल्लिका वजीर को इल्म ही नहीं। करंट अकाउंट खसारा खत्म करने वाले, ये तो बताएं आवाम को मिला क्या। आवाम का किचन खसारा पहले से भी बढ़ गया। नवंबर के आखिरी हफ्ते महंगाई की शराब 22% से बढ़ गई। घी चावल तमाम दालें गोश्त और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर। सिर्फ ख्याली पलाव हर वक्त दस्तियाब। मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक। मैं कह रहा हूं कि हकीकत ये है कि पिछले 5 महीने में पेट्रोल की कीमतें जो हैं गिराई गई हैं, बढ़ाई नहीं गई। मुशीर खजाना की टमाटर प्राइस के बाद पेट्रोल की कीमतों पर राम कहानी। कहते हैं पिछले 5 माह में पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, हालांकि पेट्रोल और डीजल रुपयों में महंगा और पैसों में सस्ता हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर कहते हैं मूडीज का पाकिस्तान का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करना खुशाइंद है। महंगाई में कमी के लिए जखीरा अंदोजी की रोकथाम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशियाना हाउसिंग केस खत्म करने के रिमार्क्स पर नैब के वकील नईम बुखारी की चालाकी। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। आशियाना केस में नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका। कहानी में शहबाज शरीफ का किरदार अच्छे बच्चे का है, हजारों लोगों को नुकसान होने से बचाया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैंने मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, 10 साल मुल्क की खिदमत की, मेरी नजर में ये ज्यादती हो रही है। इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। इस केस में मुझे सुना ही नहीं गया, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। दुबई के अस्पताल से परवेज मुशर्रफ का वीडियो पैगाम। दुआ को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कराची पुलिस मुलजमान तक पहुँचने में नाकाम। पुलिस की एक और बड़ी नाअहली सामने आ गई। अगवा में इस्तेमाल होने वाली मुश्तबा गाड़ी 2 दिन थाने में खड़ी रही, फ्रांसिक तक ना कराया गया। दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाज। दादू में संसार की जाने वाली बच्ची की कब्र कुशाई का हुक्म। तहकीकाती टीम आज दस्तखाकी से नमूने हासिल करेगी। मकतूल गुलसमा के वालिद समेत 2 अफराद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर मारा गया। नानोबाल में कार सवारों की पेट्रोलिंग, पुलिस के एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस का पीछा करने पर मुलजिम कार को छोड़कर फरार, तहकीकात शुरू। सुपर पावर अमरीका को बर्फानी तूफान ने मफलूज कर दिया। शुमाल वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। टेक्सास में छोटा तैयारा गिरने से 3 अफराद हलाक। मेरीलैंड में दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। समुद्री तूफान कमोरी फिलिपाइन के साहरी इलाके से टकरा गया। बिजली के पोल और साइन बोर्ड गिर गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। शुमाली कोरिया में नए शहर का इफ्तिताह। सेमजीन काउंटी को पिक्टो नामी पहाड़ी सिलसिले के करीब तामीर किया गया। इस इलाके में किम जोंग इनके वालिद की पैदाइश हुई थी।
और लंदन में ब्रिटिश फैशन अवार्ड्स का रंगारंग मेला, सितारों ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेर कर तकरीब को चार चांद लगा दिए। फैशन आइकॉन का अवार्ड नोमी कैमल के नाम रहा। आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक सदर की हालत मजीद खराब, दिल की तकलीफ बढ़ गई, सरकारी डॉक्टर्स की कार्डिक प्रोसीजर की सिफारिश। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर इंतहाई नासाज, कुव्वत मुदाफ़त खतरनाक हद तक कम हो गई, प्लेटलेट्स किसी सूरत मुस्तहकम नहीं हो रहे। पेट स्कैन की रिपोर्ट ने शरीफ खानदान के साथ साथ कौम को भी तशवीश में मुबतला कर दिया। साबिक वजीर आजम के मजीद ब्लड टेस्ट कराने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद सईद और उमर अयूब में महंगी बिजली और इजाफी बिलों पर तकरार। मुराद सईद ने हल्के के बिजली के जायद बिल्स भी काबीना में पेश कर दिए। काबीना के दीगर अरकान भी महंगी बिजली पर फट पड़े। गुलाम सरवर खान का भी शिकवा, कहा पीआईए की निष्कारी की मंजूरी का मुतालिका वजीर को इल्म ही नहीं। करंट अकाउंट खसारा खत्म करने वाले, ये तो बताएं आवाम को मिला क्या। आवाम का किचन खसारा पहले से भी बढ़ गया। नवंबर के आखिरी हफ्ते महंगाई की शरह 22% से बढ़ गई। घी, चावल, तमाम दालें, गोश्त और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर, सिर्फ ख्याली पलाव हर वक्त दस्तियाब। मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक। मैं कह रहा हूं कि हकीकत ये है कि पिछले 5 महीने में पेट्रोल की कीमतें जो हैं गिराई गई हैं, बढ़ाई नहीं गई। मुशीर खजाना की टमाटर प्राइस के बाद पेट्रोल की कीमतों पर राम कहानी, कहते हैं पिछले 5 माह में पेट्रोल और डीजल सस्ता किया, हालांकि पेट्रोल और डीजल रुपयों में महंगा और पैसों में सस्ता हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर कहते हैं मूडीज का पाकिस्तान का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करना खुशाइंद है, महंगाई में कमी के लिए जखीरा अंदोजी की रोकथाम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशियाना हाउसिंग केस खत्म करने के रिमार्क्स पर नैब के वकील नईम बुखारी की चालाकी, शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। आशियाना केस में नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका। कहानी में शहबाज शरीफ का किरदार अच्छे बच्चे का है, हजारों लोगों को नुकसान होने से बचाया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैंने मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं, 10 साल मुल्क की खिदमत की, मेरी नज़र में ये ज्यादती हो रही है, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा, इस केस में मुझे सुना ही नहीं गया, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। दुबई के अस्पताल से परवेज मुशर्रफ का वीडियो पैगाम। दुआ को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कराची पुलिस मुलजमान तक पहुँचने में नाकाम। पुलिस की एक और बड़ी नाअहली सामने आ गई। अगवा में इस्तेमाल होने वाली मुश्तबा गाड़ी 2 दिन थाने में खड़ी रही, फ्रांसिक तक ना कराया गया। दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए 3 तलवार पर एहतजाज। दादू में संसार की जाने वाली बच्ची की कब्र कुशाई का हुक्म, तहकीकाती टीम आज दस्तखाकी से नमूने हासिल करेगी। मकतूल गुलसमा के वालिद समेत 2 अफराद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, 9 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर मारा गया। नानोबाल में कार सवारों की पेट्रोलिंग, पुलिस के एहलकारों पर फायरिंग, पुलिस का पीछा करने पर मुलजिम कार को छोड़कर फरार, तहकीकात शुरू। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर इंतहाई नासाज, कुव्वत मुदाफ़त खतरनाक हद तक कम हो गई, प्लेटलेट्स किसी सूरत मुस्तहकम नहीं हो रहे। पेट स्कैन की रिपोर्ट ने शरीफ खानदान के साथ साथ कौम को भी तशवीश में मुबतला कर दिया। साबिक वजीर आजम के मजीद ब्लड टेस्ट कराने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुराद सईद और उमर अयूब में महंगी बिजली और इजाफी बिलों पर तकरार। मुराद सईद ने हल्के के बिजली के जायद बिल्स भी काबीना में पेश कर दिए। काबीना के दीगर अरकान भी महंगी बिजली पर फट पड़े।
गुलाम सरवर खान का भी शिकवा, कहा पीआईए की निष्कारी की मंजूरी का मुतालिका वजीर को इल्म ही नहीं।